नमस्कार दोस्तों, मैं अखिलेश कुमार अपने YouTube चैनल पर आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज हम अपने भारत के पड़ोसी देशों की जो श्रृंखला स्टार्ट की गई है उसका चौथा लेक्चर देखेंगे, जिसमें आज हम बांग्लादेश के बारे में पढ़ेंगे। जो भी भारत के पड़ोसी देश हैं वहां से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कुछ फैक्ट ही पूछे जाते हैं, तो इसी उद्देश्य से ये कराया जा रहा है ताकि आपका, और बेसिकली GA का पार्ट है, ताकि आपके एग्जाम में क्वेश्चन आए तो छूटे ना और ना ही आपका क्वेश्चन गलत हो। तो चलिए हम बांग्लादेश के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। बांग्लादेश, जिसे हम पहले पूर्वी पाकिस्तान के नाम से भी जानते थे, किस नाम से? पूर्वी पाकिस्तान। पूर्वी पाकिस्तान के नाम से भी इसे हम जानते थे। कब तक? 1971 के पहले इसे पूर्वी पाकिस्तान के नाम से भी जाना जाता था। जब ये पाकिस्तान से अलग हुआ तब फिर इसका नाम बांग्लादेश पड़ा, और बांग्लादेश की जो वर्तमान में राजधानी है वो आपकी ढाका है। बांग्लादेश की ये आपकी राजधानी है, और जो यहाँ की मुद्रा है ये आपकी टका है। ये क्या है? आपकी मुद्रा है। बांग्लादेश की मुद्रा का नाम क्या है? टका है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि बांग्लादेश की राजधानी क्या है, बांग्लादेश की मुद्रा का क्या नाम है, तो बांग्लादेश की मुद्रा का नाम टका है और राजधानी इसकी क्या है? ढाका है। अब देखिए, बांग्लादेश की जो स्वतंत्रता की घोषणा की गई है वो 26 मार्च 1971 को की गई है, यानी ये पाकिस्तान से अलग होके बांग्लादेश कब बना? ये 26 जनवरी 1971 को। और यहाँ पे जो संविधान लागू हुआ था 16 दिसंबर 1972 को, यहाँ पे संविधान लागू हुआ। उसके बाद यहाँ के जो पहले राष्ट्रपति बने ये बने थे शेख मुजीबुर रहमान। मुजीबुर रहमान यहाँ के पहले राष्ट्रपति बने, और इनको बंग बंधु के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? बंग बंधु के नाम से भी इनको जाना जाता है, और इनको बांग्लादेश का राष्ट्रपिता भी कहा जाता है। बंग बंधु और किस नाम से जाना जाता है? राष्ट्रपिता। कहाँ का? बांग्लादेश के राष्ट्रपिता के रूप में भी इन्हें जाना जाता है, राष्ट्रपिता। बांग्लादेश के, जैसे भारत के जो राष्ट्रपिता हैं वो महात्मा गांधी हैं, वैसे यहाँ बांग्लादेश के जो राष्ट्रपिता हैं वो शेख मुजीबुर रहमान को कहा माना जाता है और कहा जाता है, और इनको बंग बंधु भी कहा जाता है। और 2020 में, 2020 में इनको क्या मिला है? 2020 में इनको मिला है गांधी शांति पुरस्कार मिला है। 2020 में इनको मिला है गांधी शांति पुरस्कार, गांधी शांति पुरस्कार। 2020 में इनको गांधी शांति पुरस्कार भी मिला है। और वर्तमान में जो बांग्लादेश के राष्ट्रपति हैं वो हैं अब्दुल हमीद। बांग्लादेश के वर्तमान के राष्ट्रपति अब्दुल हमीद हैं। यहाँ के जो पहले प्रधानमंत्री थे ताजुद्दीन अहमद थे। यहाँ बांग्लादेश के पहले जो प्रधानमंत्री थे ये थे ताजुद्दीन अहमद। और उसके बाद जो वर्तमान में यहाँ की जो प्रधानमंत्री हैं वो शेख हसीना है। अरे हसीना का नाम सुन के हंसो नहीं यार। यहाँ की जो राष्ट्रपति हैं, शेख प्रधानमंत्री हैं वर्तमान में, ये शेख हसीना है। और यहाँ की जो प्रमुख नदी है वो है पद्मा, जमुना और मेघना। यहाँ की जो प्रमुख नदियां हैं पद्मा, जमुना और मेघना। जमुना, ये जो आपकी जमुना है ये किन नदियों के मेल से बनी है? जमुना आपकी किन नदियों की मेल से बनी है आपको पता है? ये जमुना, जमुना आपकी पद्मा किससे मिलके बनी है? पद्मा, पद्मा प्लस ब्रह्मपुत्र, ब्रह्मपुत्र, ब्रह्मपुत्र के मेल से कौन बनी है? ये जमुना, जमुना बनी है पद्मा और ब्रह्मपुत्र के मेल से। पद्मा, पद्मा जिसे भारत में क्या बोलते हैं? गंगा कहा जाता है, यानी गंगा को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? पद्मा के नाम से जाना जाता है। गंगा को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है, और ब्रह्मपुत्र को बांग्लादेश में जमुना के नाम से जाना जाता है। गंगा को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है, और ब्रह्मपुत्र को जमुना के नाम से जाना जाता है। और जो जमुना है ये पद्मा और ब्रह्मपुत्र का मेल है, यानी कह सकते हो गंगा का। और यहाँ की तीसरी प्रमुख नदी है मेघना है। अब चलिए देखते हैं भारत और बांग्लादेश के बीच में कौन कौन सी ट्रेन चलती है। तो भारत और बांग्लादेश के बीच में तीन ट्रेनें चलती हैं।
पहली ट्रेन है आपकी मैत्री एक्सप्रेस, ये चली थी 2007 में। ये कब चली थी? 2007 में। ये कहाँ से कहाँ तक चलती है? ये आपकी चलती है कोलकाता से। कहाँ से? कोलकाता से आपकी चलती है ढाका तक। कोलकाता से ये मैत्री एक्सप्रेस 2007 में चली है भारत और बांग्लादेश के बीच में, और ये चलती है कोलकाता से ढाका के बीच में। उसके बाद दूसरी ट्रेन है आपकी बंधन एक्सप्रेस। कौन सी? बंधन एक्सप्रेस। ये कब चली? ये चली 2017 में। कब चली है? 2017 में बंधन एक्सप्रेस चली है 2017 में। और ये कहाँ से कहाँ तक चलती है आपको पता है? ये कहाँ से कहाँ तक चलती है? ये चलती है कोलकाता से। कोलकाता से ये भी आपकी चलती है। कोलकाता से कहाँ तक? कोलकाता से खुलना, खुलना, खुलना ये है आपका। कहाँ पे? ये बांग्लादेश में है खुलना। उसके बाद तीसरी ट्रेन है मिताली एक्सप्रेस। ये बहुत जल्दी ही चली है। ये चली है मिताली एक्सप्रेस 2021 में। मिताली एक्सप्रेस चली है 2021 में। ये चली है भारत के न्यू न्यू जलपाई, न्यू जलपाईगुड़ी से। ये कहाँ तक चली है? आपकी ढाका तक। ये ट्रेन ढाका तक चली है। तो भारत और बांग्लादेश के बीच में ट्रेन तीन ट्रेनें चलती है, मैत्री एक्सप्रेस, बंधन एक्सप्रेस और मिताली एक्सप्रेस। ये इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। उसके बाद भारत और बांग्लादेश के बीच में युद्ध अभ्यास भी होते हैं। भारत और बांग्लादेश के बीच में तीन युद्ध अभ्यास होते हैं। पहला है मैनामती अभ्यास युद्ध अभ्यास, और दूसरा है संप्रीति युद्ध अभ्यास, और तीसरा है आपका बोंगो सागर युद्ध अभ्यास। तो अब ये देखो, जो ये दो युद्ध अभ्यास हैं ये थल सेना द्वारा किए जाते हैं। किससे? थल सेना द्वारा, थल सेना द्वारा। और बोंगो सागर, तो यहाँ सागर लगा है तो इसका मतलब आप समझ जाइए कि ये किससे? जल सेना के द्वारा किया जाता है। ये अभ्यास जल सेना के द्वारा किया जाता है। थोड़ा सा और इसके बारे में फैक्ट बताना था, लेकिन चलिए अभी हम आगे इसके बारे में जो मेन फैक्ट है थोड़ा इसके आगे देखेंगे। अभी अब हम ये देखेंगे कि इसके प्रमुख पक्षी क्या है, राष्ट्रीय पशु क्या है, और यहाँ का राष्ट्रीय खेल क्या है, इसकी संसद को कहते क्या है। ये देखते हैं बांग्लादेश की जो संसद है इसको, इसका नाम है जातीय संसद। क्या नाम है? जातीय संसद। बांग्लादेश की जो संसद का नाम है जातीय संसद है। और इसमें जो सदस्यों की संख्या है ये है कितनी? 350। इसमें सदस्यों की संख्या 350 है। और यहाँ की जो राष्ट्रभाषा है, राष्ट्रभाषा वो है क्या? बंगाली। यहाँ की जो राष्ट्रभाषा है वो बंगाली है। और उसके बाद यहाँ का जो राष्ट्रीय पुष्प है उसे जलीय कुमुदनी, जलीय कुमुदनी, या फिर इसे कहा जाता है वाटर लिली, वाटर लिली, इसे वाटर लिली भी कहा जाता है। उसके बाद जो यहाँ का राष्ट्रीय वृक्ष है, यहाँ का राष्ट्रीय वृक्ष क्या है? आम का वृक्ष। आम का वृक्ष यहाँ का राष्ट्रीय वृक्ष है। यहाँ का राष्ट्रीय पशु है रॉयल बंगाल टाइगर, रॉयल बंगाल टाइगर यहाँ का राष्ट्रीय पशु है। और यहाँ का जो राष्ट्रीय पक्षी है ये रॉबिन है, यहाँ का राष्ट्रीय पक्षी रॉबिन है। और उसके बाद जो यहाँ का राष्ट्रीय खेल है, राष्ट्रीय खेल कबड्डी है। और यहाँ इसका जो राष्ट्रीय फल है आपका वो क्या है? कटहल है। इसका राष्ट्रीय फल कटहल है। और यहाँ की राष्ट्रगान का क्या नाम है? आमार सोनार बांग्ला। यहाँ का जो ये राष्ट्रगान है ये आमार सोनार बांग्ला है, बांग्ला है। इसकी जो रचयिता है वो है रवीन्द्रनाथ टैगोर, रवीन्द्रनाथ टैगोर, जो कि भारत के भी राष्ट्रीय उसके राष्ट्रगान के रचयिता हैं। और इनको 1913 में, 1913 में नोबल प्राइज मिला था, नोबल प्राइज मिला था, नोबल पुरस्कार या प्राइज मिला था। और किस पुस्तक के लिए? गीतांजलि के लिए। किसके लिए? गीतांजलि के लिए इनको नोबल प्राइज मिला था। और रवीन्द्रनाथ टैगोर दुनिया के ऐसे लेखक हैं जो दो राष्ट्रों के राष्ट्रगान के रचयिता हैं। एक आपका ये बांग्लादेश हो गया और दूसरा ये भारत के राष्ट्रगान को भी इन्होंने लिखा।
और ये रविन्द्रनाथ टैगोर भारत के ही नहीं एशिया के पहले व्यक्ति हैं जिनको नोबल प्राइज मिला साहित्य के क्षेत्र में 1913 में गीतांजलि के लिए। अब थोड़ा हम इसके झंडे के बारे में बात कर लेते हैं क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है। जैसे आपका मैं पिछले वीडियो में आपको बताया था नेपाल का झंडा, वहाँ से भी क्वेश्चन बनता है, एग्जाम में पूछे जाते हैं SSC और भी एग्जाम में। वैसे यहाँ का जो झंडा है, नेपाल का झंडा त्रिकोण था लेकिन यहाँ का झंडा क्या है, चौकोर है, आयताकार है। यहाँ के झंडे में दो रंग है, एक हरा रंग और दूसरा लाल रंग। तो अब ये पूछता है कि जो इन झंडे का रंग है उसका मतलब क्या होता है। तो जैसे हरे रंग का जो मतलब होता है कि भूमि एवं युवा शक्ति, जो हरा रंग है बांग्लादेश के झंडे का वो वहां की भूमि और युवा शक्ति का प्रतीक है, और लाल रंग जो है वो उगता सूरज और शहीदों के रक्त का प्रतीक है। अब देखिए एक दो फैक्ट और यहाँ के देख लीजिए। जो एक फैक्ट है, यहाँ का सबसे ज्यादा घनत्व विश्व में, जो सबसे ज्यादा जनघनत्व है वो यहाँ बांग्लादेश में है। जनघनत्व सबसे ज्यादा कहाँ पे है, बांग्लादेश में है। सबसे ज्यादा जनघनत्व बांग्लादेश में है और भारत के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करने वाला देश है। सबसे लंबी सीमा साझा करने वाला देश कौन सा है आपका, बांग्लादेश ही है। तो दोस्तों हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए आप बेल आइकन को प्रेस कीजिए। जय हिंद दोस्तों।